कुछ भाई ऐसे भी हैं रोजा तो रखते हैं लेकिन नमाजें नहीं पढ़ते हैं। ये कहा है भाई, पहले नमाज या पहले रोजा? पहले नमाज, पहले नमाज फिर रोजा। बैन रजुली वो बैन शिरकी वल कुफरी तरकुस सलाह, सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 82 के बंदे के दरमियान और कुफर और शिर्क के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। रमजान का महीना आ रहा है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए एक महीना फुल और 11 महीना गुल, नजर ही नहीं आएंगे। ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि शुरू शुरू में पहले दिन मस्जिद में इतनी भीड़ लग गई कि जो असली नमाजी है वो बेचारे नकली हो गए और जो नकली है वो असली हो गए। माशाल्लाह पहला जुमा खूब अच्छे तरीके से, उसके बाद बीच में सब गायब, उसके बाद अखीर वाला जुमा पढ़ने आएंगे। क्यों मलिजा? अरे मलिजा सुनिए ना, पहला रख लिए बीच वाला गायब हो गया, अखीर वाला रख लिए, दोनों को सटा देंगे। जब सटा देंगे तो सब हो ही जाएगा। अलविदा ही जुमा, कभी अलविदा मत कहना। आज हमारी और आपकी नमाज क्या है? 8 की खाट की 360 की, आठ वाली जुमा की नमाज, खाट वाली जनाजे की नमाज, 360 वाली ईद और बकरीद की नमाज। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। मेरे भाइयों, मुसलमान पंच वक्ता नमाजी होता है और नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है, जंग के मैदान में माफ नहीं है, रूह निकलने से पहले पहले तक माफ नहीं है, तो कैसे माफी हो जाए? अरे मौली साहब, जब बूढ़े होंगे तो सुधर जाएंगे, जब मस्जिद के मुतवल्ली बन जाएंगे तो मुसल्ली भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। एक हज पढ़ के आ जाएंगे तो पूरा पाप धुल जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी हो जाएंगे। मेरे भाइयों, धोखा है, धोखा है। कुछ लोग बूढ़े होने तक जिंदा रहेंगे, किसने कहा है? नेक अमल की तौफीक मिलेगी, किसने कहा है? तौबा इस्तिग़फ़ार अभी से कर लीजिए, रमजान का इंतजार नहीं। जो नमाज खत्म, अल्लाह के दरबार में झुक जाइए, क्योंकि कल क़यामत के दिन पहला सवाल नमाज के बारे में होगा।